नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कर्नाटक में राजनीति अब दही तक पहुंच गई है। दही के पैकेट पर हिंदी में दही लिखने को लेकर विपक्षी पार्टियां लामबंद हो गई हैं। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि लोगों पर हिंदी को जबरदस्ती थोपा जा रहा है। कर्नाटक के पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने एक रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए कहा कि हिंदी थोपने की बेशर्म जिद अब दही के पैकेट तक आ गई है। दही के पैकेट पर हिंदी में लेबल लगाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी मातृभाषाओं की इस तरह से अवहेलना या इसके लिए जिम्मेदार लोगों को दक्षिण से हमेशा के लिए उखाड़ फेंकना सुनिश्चित करेगी। दरअसल भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने 10 मार्च को दक्षिण राज्य केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में दुग्ध सहकारी समितियों को सुझाव दिया है कि दही के पैकेट पर हिंदी में दही लिखा होना चाहिए। AFSSAI अपने सुझाव में कहा कि स्थानीय नाम को ब्रैकेट्स में दे सकते हैं। AFSSAI के इस सुझाव पर बवाल खड़ा हो गया है। कर्नाटक में विपक्षी पार्टियां अब इसे चुनावी मुद्दा बनाने से पीछे नहीं हट रही हैं। उनका कहना है कि ऐसा करना राज्य के लोगों पर हिंदी थोपने जैसा है। विपक्षी पार्टियों ने इसके लिए BJP को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि स्थानीय भाषा को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटक में JDS नेता HD कुमार स्वामी ने भी इस मुद्दे को लेकर हमला बोला है। कुमार स्वामी ने ट्वीट करते हुए कहा कि यह जानते हुए कि कन्नड़ भाषी लोग हिंदी थोपने के खिलाफ हैं, फिर भी AFSSAI ने नंदिनी को दही के पैकेट पर हिंदी में दही लिखने का आदेश दिया है। बता दें कि नंदिनी कर्नाटक समेत दक्षिण राज्यों में प्रमुख डेयरी उत्पादों में से एक है। कुमार स्वामी ने BJP के साथ साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कुमार स्वामी ने कहा कि यह कांग्रेस महात्मा गांधी के समय की कांग्रेस नहीं है। यह कांग्रेस वह पार्टी है जिसने सत्ता के लिए सभी का चक्कर लगा चुकी है, यह अभी समय के चक्र में फंसी हुई है। फिलहाल अभी के लिए दे मुझे इजाजत, बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें GBN 24।